सो स्टूडेंट्स वी आर लाइव. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल. स्वागत है बच्चों आप सभी का अड्डा 24/7 में. कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों आज बड़े लंबे गैप के बाद हम लोग इकट्ठा हुए हैं संडे एमसीक्यू मैराथन के लिए. जी हाँ, हम वापस से आ गए हैं बच्चों अपनी संडे एमसीक्यू मैराथन लेकर. आई होप बच्चों कि आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम है बच्चों. कोरोना कम जरूर हो गया है पर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सभी का घर में रहना सबसे ज्यादा सुरक्षित है. तो बच्चों घर में रहकर आपकी तैयारी कराने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है विजय बैच को. जी हाँ बच्चों, विजय बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है जोरों शोरों से. बच्चों इस बैच के अंदर आपके क्लास 11-12 के हर सब्जेक्ट को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करके विजय हासिल कर सकें. बच्चों यहाँ पर चाहे सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड का ध्यान में रखते हुए तैयारी आपकी कराई जा रही है. बच्चों हर स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड को ध्यान में रखते हुए आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, और आपकी सभी स्ट्रीम्स चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा. बच्चों आप जानते हैं कि आपकी तीनों ही स्ट्रीम्स में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और कोई भी क्लास आपकी क्लैश ना हो, इसीलिए अड्डा 24/7 स्कूल ने क्या किया है, अलग अलग बैचेस बना दिए हैं. बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दिखाई हुई है. बच्चों ये क्लास 12th के कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स है, जो शुरू होता है सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ. जी हाँ, सुबह 11 बजे सबसे पहले बच्चों इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ आपका कॉमर्स बैच शुरू होता है. उसके बाद आपकी क्लास आगे बढ़ती है और अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है दोपहर 2 बजे. बच्चों एक दिन हम अकाउंट्स पढ़ते हैं और एक दिन बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, पर रोज दोपहर 2 बजे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है. उसके बाद बच्चों हमारी क्लास होती है शाम को 4 बजे मैथ्स की. जी हाँ, एक दिन हम लाइव सेशन में लाइव मिलते हैं और एक दिन आपको आपकी रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, लेकिन कोई भी टॉपिक आपका बीच में छूटता नहीं है. तो रोज शाम को 4 बजे बच्चों आपकी क्लास होती है मैथ्स की, और बैच आपका एंड होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ. जी हाँ, शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ बच्चों आपका बैच एंड हो जाता है. तो जिस तरह से आपने यहाँ पर कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स देखी है, उसी तरह से बच्चों यहाँ आपको अलग अलग स्ट्रीम की टाइमिंग्स दिखाई हुई हैं. जैसे येलो कलर से बच्चों साइंस के सब्जेक्ट दिखाए हैं, रेड कलर से कॉमर्स के सब्जेक्ट दिखाए हुए हैं, और ब्लू कलर से आर्ट्स के सब्जेक्ट दिखाए हुए हैं. उसके अलावा व्हाइट कलर से बच्चों कुछ कॉमन सब्जेक्ट दिखाए हैं. तो बच्चों हमारे पास एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है, जिसमें सभी टीचर्स को, सभी फैकल्टीज को अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वो जोरों शोरों से लग गए हैं अभी से आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए. क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम्स अब बहुत ज्यादा दूर नहीं बचे हैं, बोर्ड एग्जाम्स अब बहुत ज्यादा दूर नहीं बचे हैं, इसीलिए अभी से हमारे फैकल्टीज जुड़ गए हैं आपकी तैयारी कराने के लिए. तो बच्चों आप भी अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़े रहिए और रेगुलर अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए और उनमें अच्छे से अच्छे मार्क्स से विजय हासिल कीजिए. बच्चों हमने कहा कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, बट जरूरी नहीं है आगे भी होंगे. तो अभी से जुड़ जाइए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ और जोरों शोरों से लग जाइए अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में. और बच्चों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अड्डा 24/7 स्कूल हर संडे हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्विज लेकर आता है. बच्चों हर संडे हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्विज लेकर आता है, जिसके थ्रू आप अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं. क्योंकि बच्चों हमारे जो एमसीक्यू है वो केवल और केवल तुक्के बेस नहीं होते कि भाई ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बात करते हैं कि क्यों ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, कि अगर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो आप उसे मार्क कर सके, और अगर वो क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आए तो आपके वो मार्क्स भी कहीं ना जाए. तो इसी के लिए बच्चों आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं
विजय बैच के अलावा अब हम बात करें तो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए। जी हाँ, हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसके कुछ एमसीक्यू पार्ट 1 पे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम कुछ एमसीक्यूज बच्चों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी अच्छी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों फटाफट से आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक जान लेते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में। तो बच्चों अगर बात करें मेरी, मैं आपको बता दूं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं बच्चों इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें बच्चों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपना आज का सफर बच्चों शुरू करने वाले हैं। फटाफट से आप लोग अपने नोटबुक और पेंस निकाल लीजिए। भाई एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर है लेकिन सॉल्यूशन बेस्ड ही करना जरूरी है। एमसीक्यू जरूर है पर कॉन्सेप्चुअली हम उसे जरूर करेंगे। तो फटाफट से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो और हम अपना आज का सफर शुरू करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले प्रश्न की बच्चों बात अगर करें, अब पहला प्रश्न कहता है कि f such that r to r fx बराबर है f 5 plus x की पावर 4 की होल पावर 1/4, ठीक है, द्वारा दिया जाता है। फिर f o f x डैश है, यानी कि क्या होगा। बच्चों इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है कि f such that r to r is given by fx is equals to 5 plus x की पावर 4 की होल पावर 1/4, देन f o f x is क्या होगा। ऑप्शंस बच्चों देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए हुए, सबसे पहला ए ऑप्शन है x, ऑप्शन नंबर बी है 10 plus x की पावर 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 plus x की पावर 4 और ऑप्शन नंबर डी है 10 plus x की पावर 4 की होल पावर 1/4। तो बच्चों हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हमें दिया गया है फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 5 प्लस x की पावर 4 की पावर होल पावर 1/4, हमें पूछा है f o f x, ठीक है। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि f of fx, ठीक है, f of fx, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। f of यानी कि हम बात कर रहे हैं इसकी 5 प्लस fx फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, तो x की पावर 4 की जगह पर बच्चों क्या आएगा, यहां पर ये आ जाएगा पूरा fx 5 प्लस x की पावर 4 की पावर 1/4, ठीक है, और इस पूरे की पावर 1/4, इस पूरे की पावर 1/4, क्या बचेगा बच्चों हमारे पास। देखिए हमारे पास रह जाएगा यहां पर अगर हम देखेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस x की पावर 4, ठीक है, और होल पावर 1/4। सॉल्व करेंगे हम इसको तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 प्लस x की पावर 4 की होल पावर 1/4। तो बच्चों f ऑफ fx कितना आ जाएगा, 10 प्लस x की पावर 4 की होल पावर 1/4, ठीक है बच्चों। इस तरह हम इसे निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि कैसे इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 की बच्चों बात करें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर f such that r to r में gx हमें दे रखा है, gx is equals to 3x square plus 7 और fx is equals to under root x, तब g o f x के बराबर है। क्वेश्चन को बच्चों इंग्लिश में भी रिपीट कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि इफ f सच दैट r टू r gx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 7 एंड fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट x, देन g o f x इज, g o f x की बच्चों हम बात कर रहे हैं इज इक्वल टू, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3x माइनस 7, ऑप्शन नंबर बी है 3x माइनस 9, ऑप्शन नंबर सी है 3x प्लस 7 और ऑप्शन नंबर डी है 3x माइनस 8। देखते हैं बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। हमें बोला है क्या निकालना है,
GOFX, ठीक है, ये हमें निकालना है। अगर हम GX की बात करें तो GX कितना दे रखा है बच्चों, 3x² + 7, और FX कितना दे रखा है, √x। ये चीजें हमें गिवन है और ये हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अब GOFX को हम कैसे लिख सकते हैं। GOFX का मतलब है G of FX, ठीक है, यानी कि हम निकालेंगे G of FX क्या है, √x, यानी कि कितना हो गया ये G√x। इसका क्या मतलब है कि G में जहां पर x है वहां पर क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3√x² + 7, कितना मिलेगा बच्चों, 3√x का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, x + 7। ये हो गया हमारा GOFX, यानी कि आंसर। तो इसमें से बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। कैसे हमने इसको सॉल्व किया, ये आपने बच्चों यहां पर देख ही लिया है एक एक स्टेप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ, अड्डा 24/7 स्कूल बच्चों लेकर आया है सोशल मीडिया पैकेज को। इसका मतलब है कि अब बच्चों जहां जहां आप वहां वहां पर हम, अब अड्डा 24/7 स्कूल अवेलेबल है टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। आपको केवल क्या करना है, इन तीनों ही एप्स को, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को अपने एंड्रॉयड या आईफोन में डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके बच्चों आपको ज्वाइन करना है अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को। अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना है। उससे बच्चों क्या बेनिफिट होगा, आपको एक ही जगह बैठे बैठे आपकी सभी क्लासेस के वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे, ताकि बच्चों आपकी एक भी क्लास ना छूटे। उसके अलावा आपकी हर क्लास के PDF नोट्स, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आपके डाउट्स के सॉल्यूशन हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा, बच्चों ये सब आपको एक ही जगह बैठे बैठे मिलेगा। तो इसीलिए तुरंत जाइए, डाउनलोड कीजिए इन ऐप्स को और फॉलो कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को। लिंक की अगर बात की जाए बच्चों, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तुरंत जाइए डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अब बाइनरी ऑपरेशन पर बेस्ड है। कहता है कि एक द्विआधारी संक्रिया, ये एक द्विआधारी संक्रिया दे रखी है, ठीक है, को सेट ए पर परिभाषित करने दें। ऑपरेशन कॉमिटेटिव होगा यदि, कॉमिटेटिव कब कहलाएगा ये पूछा है। इंग्लिश में क्वेश्चन बच्चों रिपीट अगर मैं करूं तो लेट अ बाइनरी ऑपरेशन, एक साइन दे दिया, बी डिफाइंड ऑन अ सेट ए, द ऑपरेशन विल बी कॉमिटेटिव इफ, कब होगा बच्चों ऑपरेशन कॉमिटेटिव। तो अगर ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ऑप्शन नंबर बी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ऑप्शन नंबर सी, बी ओ सी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए ओ सी ऑपरेशन ए। आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए। तो बच्चों हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी एक सेट पर अगर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो कब होगी, ये हम जानते हैं कि जब ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होगा, ठीक है। अब ये ऑपरेशन बच्चों कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ऑपरेशन प्लस है, ठीक है, तो क्या होगा, 2+1 इज इक्वल टू 1+2, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई करेगी, कहां पर, ए सिचुएशन पर, यानी कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन पे अगर ए पर वो है तो इस प्रॉपर्टी में जब ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होगा तब हम उस बाइनरी ऑपरेशन को कॉम्यूटेटिव कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि एक संक्रिया n पर द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है बच्चों, क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, जिसे a ऑपरेशन b इज इक्वल टू a माइनस b प्लस ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित किया गया है। फिर चार ऑपरेशन 5 को खोजना है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फिर बच्चों मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। क्वेश्चन कहता है कि सपोज दिस साइन इज अ बाइनरी नंबर ऑन n डिफाइंड बाय
ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस ए बी का स्क्वायर. देन फाइंड फोर ऑपरेशन बाइनरी नंबर फाइव. ठीक है, आंसर्स बच्चों ऑप्शन क्या क्या है. ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 88, ऑप्शन नंबर सी है 98 और ऑप्शन नंबर डी है 99. तो बच्चों हम देखते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा. तो चलिए अब यहां पर देखिए, 4 और 5 में ऑपरेशन बोला है, यानी कि ए हमारा हो गया 4 और बी हो गया 5. ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस ए क्या है 4 इंटू में क्या दे रखा है बच्चों 4 और ये बी का स्क्वायर. ठीक है, कितना हो जाएगा देख लेते हैं. एक मिनट, मैंने अभी आपको वैल्यू सॉरी डायरेक्ट लाके बता दिया, पहले मैं यहां पर लिख देती हूँ क्या दिया हुआ है ऑपरेशन, फिर हम वैल्यूज डालेंगे. ठीक है, ए बी का स्क्वायर. अब यहां पे हमें 4 ऑपरेशन 5 में दिखाना है. ठीक है, तो ए की जगह पे आ जाएगा 4 माइनस बी की जगह पर 5 प्लस ए की जगह पर 4 बी की जगह पर 5 का स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है. अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 1 प्लस 4 इंटू में 5 का स्क्वायर करेंगे 25. कितना हो गया, माइनस 1 प्लस 25 चौके 100. कितना आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस माइनस 100 में से एक गया 99, साइन लगेगा प्लस का, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी. बच्चों बाइनरी ऑपरेशन में दिए गए ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अगर हमने सॉल्व किया है तो क्या निकली है वैल्यू 99, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स लगाकर. अगर बेटा कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, यहां पर मैं अवेलेबल हूं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देने के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मान लीजिए कि ऑपरेशन हमें दिया है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू 4ab द्वारा परिभाषित एक बाइनरी ऑपरेशन है. तो हमें खोजना है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए बी. ठीक है, चलिए, यानी कि क्या बोला है, सपोज दिस साइन इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू 4ab, देन फाइंड ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए. ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, चलिए आगे इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. पहले ऑप्शन दे रखा है ए 4a² b, ऑप्शन नंबर बी है 16a² b, ऑप्शन नंबर सी है 16ab का स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी है 4ab का स्क्वायर. हम देखते हैं कि बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ध्यान से देखेंगे सभी. हमें दिया है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू 4ab. ठीक है, और क्या बोला है, हमें बोला है, हमें बताना है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए. इसका क्या मतलब होगा बच्चों, ए ऑपरेशन बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4ab लिख सकते हैं, और ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ये ए की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए कितना हो गया, ये हो गया ए ऑपरेशन बी की जगह पर हमने लिख लिया 4ab. ठीक है, अब ऑपरेशन ए की जगह पर, ऑपरेशन ए की जगह पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हो जाएगा ये ए. तो कितना मिल गया हमें, यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा 4a² b, 4a² b, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बच्चों. अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना. ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 कहता है कि मान लीजिए एक हमें ऑपरेशन दिया है जो ए ऑपरेशन बी में 3ab प्लस 5 द्वारा परिभाषित एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो 8 ऑपरेशन 3 को हमें खोजना है. इंग्लिश में जो क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ, सपोज दिस साइन इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू 3ab प्लस 5, फाइंड ए 8 ऑपरेशन 3. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं बच्चों. ऑप्शन नंबर ए है 254, ऑप्शन नंबर बी है
1458, ऑप्शन नंबर सी है 1448, ऑप्शन नंबर डी है 1541। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ये बच्चों हमें देखना है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ए ऑपरेशन बी हमें क्या दे रखा है, 3ab+5। ठीक है, यहां पर ए ऑपरेशन बी में हमें क्या निकालना है, 8 ऑपरेशन 3 निकालना है। ठीक है, तो ए कितना हो गया बच्चों, 8, बी हो गया 3। अगर हम यहां पर इन वैल्यूज को डाल दें, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा। ए कितना है, ए है 8, बी कितना है 3+5। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों ये, अगर हम देखते हैं तो देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें कितना मिलेगा, 8 + 24, और ये एक सेकंड मैं आपको पहले करके दिखाती हूं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 83 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 83 कितना हो गया, तो 83 × 3, 3 × 9 = 24, 249 प्लस 5 कितना हो गया, 254। कितना हो गया बच्चों, 254। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों के आप लोगों को ये क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इसको निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि f such that closed interval 2 से लेकर infinity 2R है। ठीक है, जहां पर fx हमें दे रखा है x का स्क्वायर -4x + 5 द्वारा एक परिभाषित फलन है, तो f का परिसर क्या होगा, परिसर हमें बताना है। इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ f सच दैट 2 to infinity 2R where fx is equals to x² - 4x + 5 is a function, then the range of f is, f की रेंज क्या होगी। ऑप्शन हमें दिए हैं बच्चों, नंबर 1 R, ऑप्शन नंबर B क्लोज इंटरवल में 1 to infinity, ऑप्शन नंबर C क्लोज इंटरवल में 4 से लेकर इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर D 5 to infinity। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें fx दिया है कितना, x का स्क्वायर -4x + 5। ठीक है, और हमें प्रांत कितना दिया हुआ है, प्रांत दिया है 2 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, 2 से लेकर इंफिनिटी तक। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 2 को, क्योंकि यहां पे क्लोज डे से नीचे नहीं जाएगा, तो 2 को अगर हम x में रखते हैं, x इज इक्वल टू 2 लेने पर f2 कितना होगा, f2 अगर हम रखते हैं तो हमें परिसर क्या मिलेगा, यहां देखिए 2 का स्क्वायर - 4 × 2 + 5 कितना हो गया, 4 - 4 × 8 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -4 + 5, ±1, बड़े के साथ साइन है प्लस का, यानी कि हमारी रेंज क्या हो गया, 1 निकला। तो रेंज, या अगर हम हिंदी में कहें परिसर, रेंज या परिसर कितना हो गया बच्चों, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, क्योंकि अगर हम 2 रखते हैं प्रांत को तो परिसर हमारा निकल रहा है 1, तो इसी तरह से 2 से इंफिनिटी तक प्रांत है, तो 1 से इंफिनिटी तक परिसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने परिसर को ज्ञात किया है। अगर बेटा कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, इस तरह से हम इसके परिसर को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित चित्र किस प्रकार के कार्य अर्थात फलन को, कार्य अर्थात फलन को दर्शाता है। ठीक है, इंग्लिश में जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वर्क, वर्क यहां पे इट इज थिंग एज फंक्शन, ठीक है, डज द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। ठीक है,
क्या रिप्रेजेंट करी है, कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट करी है नीचे दी गई फिगर। ऑप्शन नंबर ए है एकाकी फलन यानी कि 1 1, ऑप्शन नंबर बी है आच्छादक फलन यानी कि ऑन टू, ऑप्शन नंबर सी है एकाकी तथा आच्छादक यानी कि 1 1 एंड ऑन टू, एंड ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो बच्चों अगर आप नीचे दी गई फिगर को देखते हो, एक आपको एक्स दे रखा है, एक आपको वाई दे रखा है, ठीक है। ये हमारा प्रांत होता है और ये हमारा परिसर होता है यानी कि डोमेन और रेंज होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एक के लिए जो प्रतिबिंब है यानी कि परिसर है वो क्या है, सी है, दो के लिए ए है, तीन के लिए बी है, चार के लिए ई है। तो यहां पर बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि एक्स में मौजूद एक्स के सभी प्रांतों के लिए, एक्स के सभी प्रांतों के लिए वाई में प्रत्येक अलग प्रतिबिंब है, प्रत्येक अलग प्रतिबिंब है। और बच्चों ऐसा अगर होता है कि एक्स के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक प्रांत के अवयव के लिए वाई में एक इंडिविजुअल प्रतिबिंब, एक इंडिविजुअल इमेज मौजूद हो, एक इंडिविजुअल परिसर मौजूद हो, तो ऐसा फंक्शन एकाकी फंक्शन यानी कि 1 1 फंक्शन कहलाता है। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ये डेफिनेशन में ही है, एकाकी फलन एक ऐसा फलन होता है, 1 1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पर प्रत्येक प्रांत के लिए एक इंडिविजुअल प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब मौजूद हो। यहां पर आप देख रहे हो कि हर प्रांत के अवयव के लिए एक परिसर में अवयव यानी कि प्रतिबिंब, अलग प्रतिबिंब मौजूद है। जैसे कि एक के लिए सी, दो के लिए ए, तीन के लिए बी और चार के लिए ई। तो कहीं भी बच्चों रिपीट नहीं हो रहा, तो अतः हम क्या कहेंगे कि यह एक एकाकी फलन है यानी कि 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में बच्चों आ गया होगा, रीजनिंग समझ आ गई होगी कि क्यों ये जो है एक एकाकी फलन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की। ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कि ए बराबर ए बी दे रखा है, ए एक सेट है ए बी में, फिर ए से ए तक एकाकी फलन की संख्या संभव है, कितनी होगी। क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए बी, देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए इज पॉसिबल। क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज 2, ऑप्शन नंबर बी इज 4, ऑप्शन नंबर सी इज 1 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 3। तो बच्चों यहां पे पहले आपको समझने वाली बात है कि अगर माना यहां पर हम देखेंगे कि अगर हम मान लेते हैं यहां पर हमें ए के बच्चों क्या दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, माना हमने कि नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स है एम, ठीक है, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स है एम, हमें नहीं पता तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फंक्शन संभव कार्य कितने हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एम है तो फलन की संख्या कितनी हो जाएगी, एम फैक्टोरियल, कितनी हो जाएगी, एम फैक्टोरियल। अब अगर हम यहां पर देखें तो ए हमें कितना दिया है, ए और बी, यानी कि यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, यानी कि फलन की संख्या कितनी होगी, फलन की संख्या बच्चों रीजनिंग के साथ देखना आपको हो जाएगा 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 × 1 यानी कि 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए ये हमारा कंसेप्ट है कि अगर हमारे जितने भी एलिमेंट्स का नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं उतनी फलनों की संख्या उसका फैक्टोरियल हो जाती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे तो फलनों की संख्या 2 का फैक्टोरियल हो गई यानी कि 2 × 1 = 2, ठीक है। आई होप बच्चों को आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको ज्ञात किया है। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन लगती है बेटा, नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम यहाँ पर अवेलेबल है बच्चों, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके डाउट्स का सॉल्यूशन आपको देने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी प्रश्न की बात कर लेते हैं, अंतिम प्रश्न की बच्चों बात करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि
निम्न में से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन का प्रकार नहीं है? इंग्लिश में जो क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर बी है कॉमिटेटिव यानी कि कॉमिटेटिव, ऑप्शन नंबर सी है सहयोगी यानी कि एसोसिएटिव, और ऑप्शन नंबर डी है वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो बच्चों हम अगर बात करें टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की, पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर हम टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस देखें, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं कॉम्यूटेटिव, ठीक है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये हमारे बाइनरी ऑपरेशन के टाइप होते हैं। बचा कौन सा बच्चों? केवल और केवल संक्रामक, क्योंकि ये तो किसके अभी हमने देख लिए, बाइनरी ऑपरेशन के टाइप हो गए, संक्रामक बचा, और यहां पर एक ही जो है वो ऑड वन आउट है, संक्रामक। क्यों? क्योंकि संक्रामक जो है, या जिसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं, संक्रामक या ट्रांजिटिव एक प्रकार का संबंध है यानी कि रिलेशन है। ठीक है बच्चों, ये टाइप ऑफ रिलेशन है, संक्रामक जो है वो टाइप ऑफ रिलेशन होता है, टाइप ऑफ संबंध है, संबंध का प्रकार है, जहां पर हम देखते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, बी सी बिलोंग्स टू ए या आर, आर की हम बात करते हैं, ठीक है, संबंध की, देन सी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये क्या होता है? हमारा संक्रामक की कंडीशन है, यानी कि यहां पर हमने देखा कि संक्रामक जो है वो एक प्रकार का संबंध है, ना कि बाइनरी ऑपरेशन का प्रकार। बाइनरी ऑपरेशन के टाइप कौन कौन से हैं? कॉमिटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप का आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने संबंध एवं फलन पर आधारित कुछ एमसीक्यू प्रश्नों की बात की, जिसमें हमने फलन और द्विआधारी संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों को देखा, क्योंकि हमारा ये भाग दो था। आई होप कि अब तक हम जो 20 क्वेश्चन पहले वाली क्लास और अभी की क्लास के मिला के 20 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज कर चुके हैं, वो एक एक क्वेश्चन आपको विद रीजनिंग क्लियर होगा। अगर बच्चों कहीं भी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है, आप अपनी तैयारी कीजिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए, डिटेल में पढ़िए, अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़े रहिए और जोरों शोर से तैयारी करते रहिए अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की, क्योंकि बच्चों इस बार बोर्ड एग्जाम्स में हो सकता है कि फोकस एमसीक्यू पे ज्यादा हो, तो हम आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी दे रहे हैं लेकिन विद रीजनिंग, ताकि अगर वो क्वेश्चन आपका 3, 4, 2 मार्क्स में आ जाए तो आप उसे बहुत अच्छे से अटेंड कर सके और आपका कोई भी मार्क्स ना कट हो। तो आप अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़े रहिए, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए, संडे को एमसीक्यू सीरीज अटेंड कीजिए और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ, पुरानी वीडियोस को देखते रहिए। हम मिलेंगे अगले संडे एमसीक्यू बेस्ड सीरीज में एक नए चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू।